हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का मौसम थोड़ा ज़्यादा ही बारिश वाला हो चुका। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल बारिश ख़त्म होने के बाद मुझे मेरे दोस्त का एक कॉल आया था और उन्होंने कहा कि इतनी हाई डेंसिटी बारिश के बाद एक बार गेट टुगेदर के लिए चाय नाश्ता एक साथ हैंगिंग आउट टाइप, मतलब दोस्त लोग का होता है ना शाम को टाइम में हमेशा जाके अड्डा वड्डा मारना, चाय नाश्ता, फिर वहाँ पे कहीं कोई एक नुक्कड़ पे जाके थोड़ा सा बैठना, गपशप मारना। तो वैसे ही हम लोग निकल पड़े आज। तो मुझे मेरा दोस्त का जब कॉल आया तो मैं बोला चलो ठीक है यार, आता हूँ यार, बारिश हो गई है बहुत, अभी शाम को थोड़ा निकलते हैं। तो जिस वजह से मैं थोड़ा सा निकला हूँ, तो अभी जा रहा हूँ पहले अपने दोस्त के घर तक, फिर देखते हैं उसके बाद वहाँ से एक और दोस्त को बुलाएंगे। तो एक आध दो तीन चार दोस्त और अगर मिल जाते हैं तो मज़ा ही आ जाए। तो देखिए आगे होता है क्या। वैसे भी बारिश के बाद निकलने का जो मज़ा होता है वो अलग ही मज़ा होता है। तो जिस वजह से अभी जब उसने मुझे फ़ोन किया, वो मुझे बोला चला आ जाए, मिलते हैं साथ में, थोड़ा चाय नाश्ता कुछ गपशप मारते हैं, तो मैं भी मना नहीं किया। मैं बोला चलो यार कोई बात नहीं, बहुत दिन से घर से निकला नहीं था तो चलो। वैसे भी बारिश के बाद ड्राइव करके मज़ा ही अलग आता है। जब गुवाहाटी में बारिश होती है तो बहुत मतलब सोच समझ कर निकलना पड़ता है घर से, क्योंकि ट्रेन पूरा जाम हो जाता है। सो दैट्स व्हाई हम लोग निकलने से पहले बहुत बार सोच लेते हैं कि निकलेंगे तो कहीं फंस ना जाए। सो वीडियो बना रहा है द गली बॉय विकास द इवोल्यूशनर। हाय। सो जैसा कि हम लोग अभी प्लान किए बैठ बैठ के, हम लोग टुवर्ड्स सातगांव तक निकलते हैं। सातगांव में जाके थोड़ा टाइम रुकते हैं। एक्चुअली वन ऑफ आवर फ्रेंड चाइल्ड फ्रेंड आकाश थापा, वो भी वहाँ तक आ रहा है, वो आर्मी कैंप के अंदर रहता है, तो इसलिए हम लोग अभी आर्मी कैंप के अंदर नहीं जाएंगे। और आज शायद हम लोग 10-15 दिन बाद फिर से गेटअप कर रहे हैं, लगभग वैसे 15 अगस्त के बाद। तो एग्जैक्टली हाँ, तो 15 दिन हो ही गया। और फिर हम दोनों एक साथ मिल के निकल पड़े सातगांव के लिए। तो वहाँ जाके अभी थोड़ा टाइम रुकते हैं, उसके आने तक हम लोग थोड़ा चाय वाय पीते हैं, फिर देखते क्या होता है। और ये सबसे शॉकिंग वाला चीज़, मतलब रास्ते के बीच में हाथी, जंगली हाथी का एक झुंड यहाँ निकल के आ गया बाहर। तो अभी हम लोग जस्ट खड़े हैं नारंगी मिलिट्री स्टेशन गेट के सामने, वही अपने दोस्त का वेट कर रहे थे, तो वो भी आ नहीं पा रहा था क्योंकि बारिश की वजह से उसका जो रोड कंडीशन है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो अभी पैदल निकल के भाई वॉक करके थोड़ा आगे तक आया, फिर वहाँ से वो मिलिट्री कैंप के बाहर आ रहा था। तो उसी बीच में हमने ये जो नज़ारा है बहुत ही डेंजरस था, क्योंकि इस टाइम पे लोग वहाँ पे बहुत ही डरे हुए थे, सब इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं, क्योंकि एक तो है ये जंगली हाथी। सामने से ई रिक्शा वाला भी भाग गया, अपना ई रिक्शा छोड़ के वो निकल पड़ा, क्योंकि जंगली हाथियों का झुंड, फिलहाल झुंड में तो ये अकेला ही दिख रहा है क्योंकि आसपास में और कोई नज़र नहीं आ रहा था। और यहाँ के कुछ लोगों का तो आदत हो गया है कि वैसे तो निकलते रहता है हाथी बीच में, तो जिस वजह से वो लोग को आदत हो गया अभी फ़िलहाल। तो बाकी लोगों का तो ऐसा हो गया कि मतलब जो लोग पहली बार ऐसे देख रहे हैं तो वो तो हालत ख़राब, मेरा खुद का हालत ख़राब हो गया था। अभी जैसे ये देख सकते हैं मेरे सामने ई रिक्शा वाला, ये ई रिक्शा छोड़ के भाग गया था, फिर अचानक जैसे ही वो हाथी दूसरी तरफ टर्न हो गया, दूसरी तरफ मुड़ गया, तो ये अपना ई रिक्शा लेके फिर निकल पड़ा। इसी बीच में मेरा कैमरा का क्वालिटी इतना मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि रात का समय का वीडियो था, जिस वजह से मैं आपको मतलब अच्छे से इसको हाईलाइट नहीं कर पा, डिटेलिंग में नहीं बता पा रहा हूँ, तो उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ मैं। जितना हो सके मैंने कवर किया उसको, और डर भी लग रहा था क्योंकि एक तो है मतलब जंगली हाथियों का तो कोई भरोसा नहीं है, अब जू वाला हाथी होता तो वो तो भाई अलग ही चिंता। तो बस खड़ा था यहाँ पे, जितना टाइम हो सके मैंने कवर किया, जितना टाइम हो सके मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं उसके पास था। देखिए अब किस तरह से ये मुड़ जा रहा है, कहीं भी मुड़ जा रहा है, लोग इधर उधर भागे पड़े, सामने ई रिक्शा दो खड़ी है, वो दोनों को छोड़ के लोग वहाँ से भाग चुके हैं। अब हाथी का क्या कहें हम, मतलब गणेश बाबा हमारे जो है इनका भी कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि ये कभी रोड के उस साइड जा रहे थे, कभी इस साइड आ रहे थे। तो हाँ, वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं वो अपनी तरफ से केला, बिस्किट्स
ब्रेड सब कुछ दे रहे थे। देखिए अब किस तरह से ये मुझे भगा रहा था उल्टा। मैं खुद वहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं आज गया, जिस तरह से वो मेरी तरफ आगे बढ़ के आया था तो मुझे खुद डर लग गया था उस टाइम। खैर वहाँ पे बहुत लोगों ने केला दिया था उनको खाने के लिए, तो केला ब्रेड जितना जो हो सके मतलब सब लोग दिए पड़े अपना, तो मैंने भी दिया। बट मैं खुद देने गया तो मैं अपने आप को कवर में नहीं ले पाया, क्योंकि एक तो पहली हालत बुरी है वहाँ पे, और उसके बाद मतलब ऐसे फिर वीडियो में उसको कवर करना तो इट्स इम्पॉसिबल। मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि हमें वहीं पे वेट करना था आकाश के लिए। तो आकाश के आने के बाद हम तीनों फिर वहाँ से निकल पड़े, थोड़ा सा नारंगी तिनेली से थोड़ा आगे जाके वहाँ पे नुक्कड़ पे चाय शाय पिया हमने, और फिर वहाँ से हम लोग वापस के लिए चल दिए। सो आज तो फिर हम लोग ऐसे निकले थे एक साथ गेट टुगेदर, क्योंकि बारिश हो गई थी उसके बाद बहुत दिनों से हम लोग का मुलाकात नहीं हुआ था, जिस वजह से हम लोग एक साथ निकले थे। बट मेरा तो इंटेंशन वही था कि हम लोग एक साथ निकलेंगे कहीं जाएंगे तो उसको मैं कवर करूँगा, बट यहाँ पे लकीली मुझे कुछ और ही कवर करने को मिल गया। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और देखते रहिए मेरे ये चैनल।